1948 में एमयू एक्ट में पहला अमेंडमेंट हुआ और उसके बाद सर 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, उसके बाद हाशिमपुरा, मलियाना, मुजफ्फरनगर और पूरी लंबी लिस्ट है सर राइट्स की कांग्रेस रिजीम में, और उसके बाद सर बाबरी मस्जिद के दरवाजों का खुलना, उसमें मूर्तियों का रखना, देन बाबरी मस्जिद की शहादत जो कांग्रेस की सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ। तो ये तमाम के खून के धब्बे कांग्रेस के दामन पर मुसलमानों के हैं, इन धब्बों को आप किन अल्फाज के साथ धोएंगे वो प्लीज। अच्छा आपका एक नहीं पॉलिटिकल क्वेश्चन है, हमारे दामन पे खून के धब्बे हैं, हमारी दामन कांग्रेस का वही हिस्सा होते, मुझे मान लीजिए कि हमारे दामन में खून के धब्बे हैं, इसी वजह से आप हमसे कह रहे हैं कि अब कोई वार आप पर करे तो हमें बढ़कर उसको रोकना नहीं चाहिए। नहीं नहीं बता रहा हूँ ना, हम ये धब्बे दिखाएंगे कि तुम समझो कि ये धब्बे हम पर लगे हैं, ये धब्बे तुम पे ना लगे, तुम वार इन पे करोगे धब्बे तुम्हारे लगेंगे। हमारे इतिहास से कुछ सीखो और समझो, हमारे इतिहास से सीखो और समझो, और इस अपना हशर ऐसा मत करो कि तुम 10 साल बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आओ और आप जैसा कोई सवाल पूछने वाला भी ना मिले। थैंक यू।